नमस्कार आप देख रहे हैं बड़ी बहस मैं हूं आपके साथ 19 मार्च को यूपी की सत्ता संभालने से पहले बीजेपी ने राज्य में कई योजनाएं लागू करने का वादा किया था जिनमें बिजली एक बड़ा मुद्दा था और अंधेरे से उजाले में लाने का खाब दिखाकर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ गई सरकार बनने के बाद यूपी में बिजली सड़क जैसे क्षेत्रों में कई सरकारी योजनाओं को शुरू भी किया गया और, तो और योगी ने तो खुलेआम पंद्रह जून से पहले पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का ऐलान भी कर डाला हालांकि बाद में सरकार को मानसून का बहाना बनाकर इस योजना को सितंबर तक बढ़ाना पड़ गया अब सितंबर चल रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी सरकार को छह महीने पूरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो गांव में अठारह घंटे और शहरों में चौबीस घंटे बिजली पहुंच रही है ना ही उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाई हैं। ऐसे में कई प्रश्न उठने लगे हैं और इन्हीं सवालों को आज हम बड़ी बहस में उठाएंगे तो योगी सरकार के छे महीने पूरे को होने को हैं और लाइव टुडे हर मुद्दे को लेकर के एक एनालिसिस कर रहा है हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे लेकिन जो चीजें हुई हैं वो जनता के सामने आए और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है बिजली पानी और सड़क को लेकर के पिछले छह महीनों में क्या कुछ योगी सरकार की उपलब्धियां रही हैं हम कुछ नहीं कह रहे हैं हमने एक सर्वे कराया कुछ लोगों से बात की जरा सबसे पहले उन लोगों की राय सुनिए जरा और जहाँ तक हमारा मानना है कि योगी जी गलत नहीं है मुख्यमंत्री जी गलत नहीं है जो उन्होंने अपना वादा था वो कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई चल रही है लेकिन कहीं ना कहीं नीचे जो उनके विधायक मंत्री या अधिकारी हैं उनसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ है आम आदमी परेशान है ऊपर का तबका ठीक है लेकिन आम आदमी परेशान है नोटबंदी से परेशान है सड़कें हमारे इलाहाबाद की बात करें तो जाम तो इतना लगता है कि कोई किसी तरह के कोई सलूशन उसका दिखाई नहीं पड़ रहा मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ इस सरकार में कोई काम नहीं चल पा रहा है जीएसटी लग गया पहली बात हर चीज में टैक्स कटने लगा आदमी ऐसे परेशान हो गया किसी चीज को एक दिन में डेवलप नहीं किया जा सकता अगर उन्होंने इस चीज के लिए सोचा तो अच्छी बात है और सरकारों ने सोचा ही नहीं उन्होंने आज ये सोचा आज रोड पे काम चालू है चार चार इलाहाबाद में पुल के काम चालू है अंतर कोई नहीं है सर जो पहले था वो अभी है जितना स्टार पहले था उससे बढ़ गया कम नहीं हुआ है महीने करीब का सात महीने हो गए मगर अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है सिर्फ लेटर पास होता है कार्रवाई नहीं होती है विवेचना हो जाएगी देखेंगे कि ये चीज नपहिया पहिया सब कुछ हो जाएगा मगर मौके पे वहाँ कोई आदमी काम करने के लिए नहीं आएगा पहली बार बिजली सुधार नहीं चाहिए बिजली में कोई सुधार नहीं है सड़क बरसात में पूरे शहर में पानी घुस जाता है इसका कोई व्यवस्था नहीं है प्रयास तो उनका है लेकिन अभी धरातल पर सही दिखाई नहीं दे रहा है प्रयास है उनका लेकिन पहले की बिगड़ी व्यवस्था के चलते जो है अभी सुधार संभव नहीं हो पा रहा है ऊट के मुँह में जीरा के बराबर है कर्ज माफी बाकी सड़कों सब गड्ढे में भरे हुए है। हैं देखिए ना बरसात में ये हाल था कि पूरा सर डूबने का गार पता किसी तरह बच्चा बच्चा बंदा वंदा भी कट गया था बहुत खुशी है मैं पूरी तरीके सेटिस्फाइड हूँ हर तरीके सेटिस्फाइड हूँ थोड़ा थोड़ा समय लगता है सुधारने में हर चीज को क्योंकि काफी लंबा टाइम से जो चला आ रहा धीमे धीमे टाइम, टाइम टेकिंग है बट इट इज अ वेरी फाइन थिंग दे आर डूइंग आज के जो भी काम है उससे हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसा पहले होना चाहिए था काम धंधे सब कुछ डाउन हो गए हैं सब कुछ जो भी आ रहा है सब इससे बढ़िया तो अखिलेश की सरकार थी पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से कि जब चोर था तो मोरंग इतनी महंगी नहीं थी अब साहूकार है मोरंग इतनी महंगी क्यों चल रही है तो खुश नहीं है इससे पहले ज्यादा अच्छा था सपा गवर्नमेंट में काफी पब्लिक को भी राहत थी और क्राइम का जो ग्राफ है अगर आप छह महीने का ही देख लें तो उनका जो है पांच साल का होगा शायद छह महीने का आपको टच करने जा रहा होगा योगी मेरे हिसाब से तो छह महीने में बिल्कुल जीरो विकास है कुछ नहीं है और क्राइम देखो निरंतर पढ़ता जा रहा है विकास के नाम पे तो कुछ नहीं है केवल कागज पूरे हो रहे हैं बाकी तो गड्ढे आज भी उतने के उतने हैं जो योगी जी ने जो टाइम रखा था उस टाइम से सारे अधिकारी अपनी जगह बैठे रहे ऐसा कुछ नहीं है जरा जरा सा कहीं कुछ कर दिया तो कहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं है गड्ढे तो ऐसी की ऐसी में हैं बहुत विकास हुआ है सुरक्षा के कारण महिलाओं को देखते हुए लड़कियों को देखते हुए कॉलेज में छेड़छाड़ कम हुई है और पढ़ाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है काफ़ी विकास हुआ है देखो पहली सरकार के मुकाबले तो बहुत ठीक हो रहा है और सिस्टम जब बिगड़ जाता है तो उसको सुधरने में समय लगता है तो धीरे धीरे जो है लोगों का नजरिया बदल रहा है तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की हमने लोगों की बात सुनाई क्योंकि लाइव टुडे के संवाददाता हमारे सहयोगी हर जिले में जो हमारे तैनात हैं उन लोगों ने बात की लोगों से बिजली को लेकर के सड़क को लेकर के पानी को लेकर जो मूलभूत जरूरतें हैं जो 19 मार्च को यूपी की सत्ता संभालने से पहले बीजेपी ने राज्य में कई योजनाएं लागू करने का जो वादा किया था जिनमें बिजली एक बड़ा मुद्दा था और अंधेरे से उजाले में लाने का ख्वाब दिखाकर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में भी आ गई लेकिन अब छे महीने बीतने के बाद जहां पर बड़े बड़े MOU पर सिग्नेचर हुए बहुत सारे दावे हुए बहुत सारे वादे हुए लेकिन धरातल स्तर पर किस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं आज हमने खुद एक्सपर्ट का एक पैनल बुलाया है हमारे साथ कांग्रेस से डीपी सिंह जी जुड़े हैं डीपी सिंह जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ, साथ समाजवादी पार्टी से तारिक अहमद जी जुड़ गए हैं तारिक अहमद लारी जी तारिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं पहला सवाल तारिक सर आपसे लूंगा कि तारिक जी जो छह महीने लगभग पूरे होने को हैं क्योंकि आज के इस सेगमेंट में बिजली की व्यवस्था को लेकर हम बात करेंगे गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर के बात बात करेंगे करेंगे और पानी की की यानी कि कि स्वच्छ पेयजल हम क्या सरकार ने व्यवस्था की है दावों के अनुसार क्या कुछ किया है लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि जो बिजली 20 घंटे 24 घंटे देने की जो बात की थी क्या लग रहा है कि सब कुछ व्यवस्था बिल्कुल टाइट है एकदम से कहीं कोई किसी तरीके की कमी नहीं है बिजली खूब मिल रही है खूब बिजली तो लखनऊ शहर में भी चौबीस हाँ। घंटा छोड़ दीजिए सोलह घंटे से ऊपर नहीं मिल रही है गांव देहात में ये कह रहे हैं कि अट्ठारह घंटे दे रहे हैं वहाँ आठ घंटे से लेकर दस घंटे तक मिल रही है मेरा ही क्षेत्र है देवरिया सलेमपुर लार कस्बा है तो लार कस्बे में बिजली आ रही है साढ़े सात घंटा तो दावे तो इनके फेल हो ही चुके हैं बिजली की व्यवस्था इनकी जीरो बटा जीरो है चाहे शर्मा जी इनके जो बिजली मंत्री है वो जितना भी चिल्लाए जितना भी चीखे जी झूठ बोलने में माहिर है तो वो झूठ बोलते रहते हैं कि हमने ये कर दिया है हमने यहाँ से बिजली कर दी हमने वहां से हमारी जो व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को इन्होंने डिस्टर्ब किया है जी और उस व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का नतीजा है कि जहां बिजली अट्ठारह घंटा वाकई में थी वो नहीं है

पिछली जो व्यवस्था थी जो उनकी सरकार के कार्यकाल की उससे भी कहीं ना कहीं खराब व्यवस्था हो गई है आप आपको क्या लग रहा है आलोक साहब बिल्कुल सही तारीख साहब ने अच्छा है। और इस बात को हम एक विपक्ष के रूप में नहीं एक प्रदेश के एक नागरिक के रूप में महसूस कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो हालात पहले था पहले की पिछले सरकार से उससे बहुत बद से बदतर स्थिति हुई है और रही बात बिजली की पानी की स्वच्छ पेयजल की और सड़कों की इन्होंने कहा था वादा किया था कि पंद्रह इस सेगमेंट में हम बिजली की बात कर रहे हैं फिर हम अगले सेगमेंट में सड़कों की बात करेंगे चाहता हाँ, हूँ बिजली की हालात बहुत बस से बदतर है जो मेन मेट्रोपॉलिटन जो शहर है जो हमारे प्रदेश के शहर है वहाँ पे बिजली था उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी है यहाँ पे हमारे कानपुर एक ए, बिजनेस का मैनचेस्टर है जो मेन मेन शहर है योगी जी का खुद का गृह जनपद जो गोरखपुर में है वहाँ अभी मुझे जो बी मेडिकल कॉलेज में मुझे कांग्रेस की ओर से जाने का मुझे मौका मिला था जो वहाँ बच्चे ऑक्सीजन के कमी से न जाने कितने बच्चे मौत के काल में समा गए जो सरकार एक मासूम बच्चों को ऑक्सीजन न दे सक सकती हो जो कहे थे कि मैं पूरी प्रदेश की गड्ढा मुख्य सड़कें कर देंगे तो वो बिल्कुल कहीं दस परसेंट भी काम नहीं किया जे. हो जो बिजली के नाम पे इन्होंने सारे जो इतने सारे जो बुरी हालत है उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर तारिक साहब ने सही कहा कि गांव में सात से आठ घंटे दस घंटे बिजली मुहैया हो रही है जो चलिए आपके हिसाब से आप से, तो हम से हम भी घंटे गांव में बिजली मुहैया हो रही है अब मैं जरा वरिष्ठ पत्र आ रहा वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े अजय जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपने देखिए तारिक साहब की भी बात सुनी और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से डीपी सिंह जी भी हमारे स्टूडियो में आए उन्होंने भी अपनी बात रखी तो लगभग

मैं अगर आपको बता दूं आंकड़े दूं तो और है कि जो उत्पादन बिजली का इस समय हो रहा है उसकी तुलना में 25 परसेंट डिमांड ज्यादा जी ये स्थिति है हाँ पिछली सरकार में इतना था कि 24 घंटे की घोषणा अखिलेश यादव द्वारा की गई थी उस समय यूपी पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजय अग्रवाल थे मेहनत करते थे इसमें दो राय नहीं है जगह जगह जाते थे और मॉनिटरिंग करते थे या वहाँ के एमडी थे एपी मिश्रा जी 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 टेक्निकल आदमी थे बस लेकिन इधर पिछले तीन चार महीनों में देखिये लखनऊ को तो छोड़ दीजिए हम राजधानी में बैठे यहाँ आप चाहे जितना दावा करिए यहाँ 24 के बजाय 27 घंटे भी बिजली की बात कर लें लोग मान लेंगे लेकिन जो और कैपिटल टाउन है आप गोरखपुर की बात ले लीजिए योगी जी का जिला वी जिला आप मान लीजिए वाराणसी मान लीजिए वहाँ भी पंद्रह से लेकर सत्रह घंटे से अधिक बिजली नहीं है जी स्थिति की और बस्तर है। कारण उसका केवल है। मैं आज आपको बहुत स्पष्ट बताऊं। हमारे जो वर्तमान बिजली मंत्री हैं मैं नाम नहीं लू सब जानते हैं मथुरा से जी वो बिजली पर ध्यान कम कहीं और उनका ध्यान ज्यादा रहता जी उनका सबसे ज्यादा ध्यान किस तरह केंद्रीय मंत्रियों से उनका सामंजस्य बना रहे मैंने तो कभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक यहां अटेंड नहीं की जबकि बिजली विभाग ऐसे मौकों पर देखिए बरसात का मौका रहा है पिछली बार जुलाई अगस्त बरसात के मौके इसमें बिजली किस गर्मी जून जुलाई हो तब तो एक बात मानी जाए कि बिजली की शॉर्टेज है लेकिन जुलाई अगस्त में हमारे बिजली मंत्री बिल्कुल सर पूरी गर्मी निकल गई बस इंतजार रहा कि कब पूरी तरीके से 24 घंटे आखिर शहरवासियों को बिजली मुहैया हो पाएगी तो सरकार बनने के बाद यूपी में बिजली सड़क जैसे क्षेत्रों में कई सरकारी योजनाओं को शुरू किया गया और तो और योगी जी ने तो खुलेआम 15 जून से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का ऐलान किया था चलिए हमारे साथ अब बीजेपी की तरफ से चंद्रमोहन जी जुड़ गए हैं चंद्रमोहन जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप बहुत बिजी शेड्यूल में से आप आधे घंटे के लिए आपने पहले शर्त रख दी थी कि आएंगे लेकिन चलिए मैं भी चाहूंगा कि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा आपसे सवालों के जवाब ले लूं सर हम आज बिजली की बात कर रहे हैं जो छह महीने में जिस तरीके से जो बिजली की समस्या उपजी है है सामने आई वही सड़कों की समस्या को लेकर पावर ऑफ ऑल को लेकर के बात की थी एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे केंद्र के साथ कई समझौते हुए लेकिन बिजली की व्यवस्था जो दुरुस्त होनी चाहिए वो आशाओं के अनुरूप नहीं हो पाई है सर जो जिस 20 घंटे और 24 घंटे बत्ती का वादा किया जा रहा था लेकिन वो सिर्फ 8 और 10 और 12 घंटे तक मैक्सिमम सिमट गई है नहीं नहीं ऐसा नहीं है हाँ। कि 8 10 12 घंटे सिमटी जी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार इसका विस्तृत आंकड़ों को दुरुस्त किया जाए और हम भी अपनी ओर से आंकड़े दुरुस्त कर देंगे ही ही ही। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में गांवों को बिजली नहीं दी जा रही थी उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह लक्ष्य लिया कि हम गांवों को बिजली देंगे और आज गांवों में बिजली आई पहली बार उत्तर प्रदेश के गाँवों के लोग कूलर लगाकर सोए पहली बार उत्तर प्रदेश में गाँवों के लोग पंखे में सोए पहली बार गाँव के लोगों ने उजाला देखा तो आज हमने उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांवों में बिजली देने का एक ऐतिहासिक काम किया आज जो बिजली को लेकर जो समस्याएं जहां-जहां आ रही है, वो तकनीकी के कारण आ रही है उसमें क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आ, मैं अभी अजय जी को सुनना था अजय जी बहुत अच्छे अध्येता भी हैं, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और अध्ययन करके बहुत हम लोग लगातार अध्ययन करके विषय को रखते रहे हैं और हम उनसे सदैव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार जो जो समझौते करके गई है बिजली खरीद के संदर्भ में वो सबके सामने है उत्तर प्रदेश की जो पिछली सरकार है देखिए क्योंकि नीव तो बनती है नीव के ऊपर इमारत बन के खड़ी होती है जो पिछली सरकार है उसके बिजली विभाग में क्योंकि ऊर्जा ऊर्जा मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री जी के पास था अखिलेश जी के पास था उसमें जो भ्रष्टाचार हुए और महंगी बिजली खरीद के जो एमयू साइन करके वो गए वो वो कोई सामान्य नहीं थे उससे ज्यादा थे हमने गांवों को बिजली दी है और मैं आग्रह कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के और दावा कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के गांवों को आजादी के बाद में पहली बार इतनी बिजली मिली है जो हमने दी है पिछले छह महीने में जी चलिए जो जो अभी जो अभी जो दिक्कतें आ रही हैं जो आजकल परसों पिछले कुछ दिनों की जो दिक्कतें आ रही हैं वो तकनीकी खामियों के कारण से आ रही हैं ट्रांसफार्मर बदलने में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है यह मैं दावा कर रहा हूं जी आज स्थितियां बदली है जी चलिए लेकिन स्थितियां चाहे बदली हो भले ही सरकार की तरफ से वादा किया जा रहा हो लेकिन जो बिजली है जिसका लोगों को इंतजार था वो लोगों को नहीं मुहैया हो पा रही है जरा जो वीआईपी जो जिले थे जिनको घोषित किया था खुद मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर बनारस मथुरा और फैजाबाद तो बनारस और मथुरा में जब लाइव टूडे की टीम गई जब जाना बिजली का क्या हाल है वहां पर अधिकारियों से भी बात की और साथ ही साथ उनकी मजबूरियों को भी जाना सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिशें की जा रही है लोगों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा जरा वो अपने दर्शकों से शेयर करवाना चाहेंगे फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे मथुरा को कितनी देर लाइट मिल रही है साढ़े तेरह घंटे लाइट मथुरा को कैसी मिल रही है लाइट का कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं है श्रीकांत शर्मा मथुरा के और ऊर्जा मंत्री हैं उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल इनसे पहले तो रामवीर उपाध्याय अच्छे थे तरीके की लाइट मथुरा को मिल रही है मथुरा को मुकम्मे आठ नौ घंटे लाइट मिल पा रही है मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि श्रीकांत शर्मा जी जो मथुरा के ऊर्जा मंत्री हैं उनके जितने भी चुज वादे किए गए थे वो सारे खोखले महसूस होते आ रहे हैं देखना है कि कितनी मथुरा को लाइट मिल रही है लोग इतने परेशान हैं कि रात में सो नहीं पाते हैं बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं चलिए चंद्रमोहन जी इस तस्वीर को दिखाने के पीछे बस यही था कि मैं सवाल आपसे पूछ सकूं और आप भी जा, जान सके यहां पर मेरा कोई मकसद आरोप प्रत्यारोप या पक्ष विपक्ष नहीं है बस मैं चाहता हूं कि बिजली की जो समस्या का जो वादा किया था देखिए जो मथुरा और वाराणसी जैसे लोगों का यह हाल है कि छह सात घंटे वहां पर बिजली मिल रही है दिक्कत चाहे टेक्निकल प्रॉब्लम यह भी हो कि जो मांग और सप्लाई की बात करें वो प्रॉपर नहीं है डिमांड और सप्लाई की बहुत सारे रीजन है चाहे वो मेंटेनेंस की बात हो लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि बत्ती प्रॉपर नहीं मिल रही है नहीं नहीं देखिए देखिए बत्ती बत्ती मैंने कहा ना कि हमने गांवों में बिजली देने का काम किया है। कुछ इनको जिले का नहीं कह सकते जो समस्याएं हैं वो कुछ कुछ जगह कुछ जगह आ रहे हैं कुछ निश्चित इलाके में प्रॉब्लम्स आई हैं और उसके कारण से ये हो रहा है और मैं जोर दे के कहूंगा कि हमने बिजली विभाग के भ्रष्टाचार को खत्म किया है और हम बिजली की जो हमने संकल्प लिया है अजय जी हमने जो संकल्प लिया है बिजली को लेकर उसको हम पूरा करके रहेंगे और हमारा संकल्प है वो जी हम उस संकल्प से हमने अपने घोषणा पत्र में कहा और हम उससे कहीं दाएं नहीं जा रहे और आज क्योंकि मैं गांव का हूं इसलिए ये बात जोर देके कह रहा हूं कि आज गांव के लोग मैंने आपको कहा कि उत्तर प्रदेश में कूलर सर्वाधिक बिके उत्तर प्रदेश में हाँ, पंखा सर्वाधिक बिके इस बार गांव के लोगों ने बिजली देखी हाँ, तो ये स, ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है हाँ, ये गांव के लोगों की बात है जो गाँव से हमको फीडबैक मिला वो बात है और हम इसमें लगातार जो जो मैंने कहा मैंने स्वीकार किया जी इधर जो प्रॉब्लम आई है उनको दूर करने के लिए हम संकल्पित है और उनको दूर करेंगे जी चलिए तारिक साहब देखिए इसका मतलब यानी कि अब कोई दिक्कत नहीं जितनी भी दिक्कतें हैं जो भरपाई जो गड्ढे आप लोग कर गए थे वो अब नई सरकार भर रही है सीधा सीधा है इसका जवाब भाई देखिए पहली हाँ। बार हम लोग टीवी देख रहे हैं पहली बार हम लोग चैनल्स पे बैठे हुए हैं पहली बार हम लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब योगी जी और मोदी जी आए तभी तो हम लोग को नसीब हुआ है इन लोग की महान कृपा है हम लोग पे कि हम लोग कलम का भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं चश्मा भी पहन ले रहे हैं स्वच्छ जल भी पी ले रहे हैं उससे पहले तो हम लोग जहर पीते थे दूसरा हर चीज में टेक्निकल प्रॉब्लम जब से आए टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत है पहले भ्रष्टाचार था हमारे टाइम पे अब टेक्निकल प्रॉब्लम है वो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो मैं बता रहा हूं वो है भ्रष्टाचार इनके मंत्री जो है वो पोस्टर बॉय है वो गवर्नमेंट के पोस्टर बॉय है शो बॉय जिसको कहा जाता है आप समझ गए शो बॉय का मतलब जानते कुछ नहीं है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा बात करते हैं सिर्फ बेकार झूठ लब्बाजी की दूसरा ये क्या अकाउंटेंट है हर कूलर की दुकान के कि इस बार कूलर बहुत अच्छा बिका है या एसी बहुत अच्छा बिका या पंखे बहुत अच्छे बिके हैं क्या बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी आप बहुत सीनियर आदमी हैं आप लोग के अकाउंट उन लोग अकाउंट लोगउंट में बात रखी है, हमने पिछली सरकार की तुलना से कि पिछली सरकार की हाँ, है कि हाँ, पांच करोड़ कूलर बिके थे एक छोटे से गांव में जी हम तो ये भी दावा कर रहे हैं हम तो यह भी दावा करते हैं कि 24 घंटा अरे 48 घंटा हम बिजली दे रहे थे दावा भी करिए तो कम से कम टेक्निकल दावा करिए आप कोई लॉजिक वाला दावा करिए ऐसे कह देने से नहीं होता है सड़कें दी करोड़ का घोटाला हो डीपी जी जिस तरीके से घोटालों की सरकार अगर बात करें तो क्या आपको वाकई में लग रहा है कि हाँ अब दिक्कतें ज्यादा या पिछली सरकार में ज्यादा दिक्कतें थी क्योंकि प्रयास तो सरकार की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं देखिये तारीख भाई ने बहुत लाजवाब तरीके से बात कहा है और निश्चित तौर पर डॉक्टर चंद्रमोहन जी भाजपा के बहुत सुधी प्रवक्ता हैं <laughs> है। और वो अपने पार्टी के जो कमियों को जिस तरीके से रेखा जो जिस तरीके से वो ढकते हैं ये इसके लिए उनको बधाई देता हूँ निश्चित तौर पर ये कहना चाहता हूँ आखिर चंद्रमोहन जी क्या कहेंगे कि श्रीकांत शर्मा जी जो माननीय ऊर्जा मंत्री हैं क्या मैं चंद्रमोहन जी से पूछना चाहता हूँ चंद्रमोहन जी बहुत सम्मानित बहुत एक एक, एक जिम्मेदार पदाधिकारी हैं अच्छी तरह सब लोग जानते हैं क्या चंद्रमोहन जी बताना चाहेंगे कि आज छह महीना हो रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को क्या एक भी पब्लिक अपियरेंस एक भी पब्लिक मीटिंग कहीं भी कोई ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जन, जो श्रीकांत शर्मा जी घूमने का, का काम किया है कोई काम करने उनको तो कहीं देखा है किसी कार्यक्रम में नहीं देखा गया हम हम हाँ सा, हाँ सारे हम हम हाँ, सा, हाँ लोग न जाने कितने कार्यक्रमों में कहा जाते हैं एक भी कार्यक्रम में हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी का उत्तर प्रदेश में पिछले छह महीने में कहीं सरोकार रोका देगा जी जी इस पर क्या कहेंगे सीधा सो जवाब हो गया अब सवाल

वो कार्यक्रम लखनऊ में हुआ मैं खुद था और उसमें श्रीकांत जी थे श्रीकांत जी थे सभी के हाँ, जवाब आपके, आपके, हाँ. पास, आपके पास खूब सारी बातें हैं बातें करने के हैं इस समय अवसर तो बातें करिए आप और वो थे पूरे प्रदेश भर में किसी व्यक्ति को लेकर ऐसे कोई कमी कोई कमी होती है तो कमी सामूहिकता की होती है टीम वर्क होता है ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति को टारगेट करना ठीक नहीं है श्रीमान श्रीकांत ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का इस इस प्रदेश में अजय जी आपने भी छापा था और सबने देखा था कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत क्या खेल और तमाशे होते थे और उसके भ्रष्टाचार को अजय जी आपने बेनकाब किया हुआ पिछले वर्षो में आज उत्तर प्रदेश में मैं जोर दे के कहूंगा मुझसे मेरे साथी कह रहे थे अभी सपा के साथी कि कैलकुलेशन किया नहीं अरे कैलकुलेशन कैलकुलेशन करने का काम जिनका वो कैलकुलेशन करते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कैलकुलेशन नहीं करते हैं वो तो केवल कुतर करते हैं इसके अलावा कुछ नहीं उन्हें जब मैं ये जोर दे के कह रहा हूं ऑन एयर ये कह रहा हूं अजय जी के सामने ये पूरी जिम्मेदारी पूरी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में कूलर बिके गांव है तो गांव में गए जो लोग गांव नहीं गए वो कहेंगे क्योंकि आज उनको केवल और केवल कुतर करने अखिलेश जी अखिलेश जी इसमें माहिर है कुतर करने में ट्रेन कर... वहां से अहमदाबाद हाँ। से बंबई क्यों जा रही है सैफाई से, से दिल्ली क्यों नहीं जा रही है जे। अरे जे। ये कुतरकों के लिए प्रदेश नहीं है कुतरकों की सजा उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया है कुतरकों की फिर वो गुजरात के शेर वाली भी बात आ जाएगी चलिए अब मैं जरा कर कर चलिए अब अजय जी के पास आ रहा हूँ जरा बिजली को लेकर के अजय जी को पास आ रहा हूँ अजय जी आपने तर्क और वितर्क सुने अब मैं जिस तरीके से बिजली को लेकर के दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात रखी अब मैं जरा निष्पक्ष रूप से आपसे जानने और समझने की कोशिश करूंगा बिजली की प्रॉपर सप्लाई के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि बिजली बाईस घंटे और चौबीस घंटे तभी मिल सकेगी जब बिजली चोरी रुकेगी और बिजली चोरी रोकने के लिए अधिकारियों को पूरी तरीके से सख्त निर्देश भी दिए हैं कई स्कीम भी शुरू की है कि जो कोई बिजली चोरी को बताएगा उसको दस अपने उसमें रिबेट दी जाएगी फिर भी आखिर बिजली चोरी की घटनाएं आखिर क्यों नहीं रुक पा रही क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिजली चोरी रुकेगी तो प्रॉपर बिजली मिलेगी लोगों को आलोग देखिए बहुत सही बात है जी आप पंद्रह हजार मेगावाट का उत्पादन है पर का और अठारह हजार मेगावाट की डिमांड है कहीं ना कहीं कही तीन हजार मेगावाट प्रतिदिन की कमी है बिजली चोरी उसकी अलग है आज जिस तरह से कटिया लगा करके आप लखनऊ में भी अभियान चलाए गए लेकिन हो क्या रहा पब्लिक घेर लेती जूनियर इंजीनियर्स को पकड़ करके बंधक बना रहे पीट रहे अमूमन पुलिस का लाठी चार्ज हो रहा है देखिए बिजली चोरी एक स्वार्थ का इतना बड़ा वो हो गया कटिया लगाने का सबसे वो अगर नहीं रुकेगी अभी आप एक प्रॉपर ये हुआ कि जितने बॉक्सेस हैं वहां पर मीटर लगाए गए जहां ट्रांसफार्मर लगे वहां मीटर लगाए गए और उसके हिसाब से देखा गया तो ये बिजली विभाग के जो कर्मचारी बिजली चोरी कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है उस पर लगाम लगनी चाहिए और जो ये बात सही है पिछली सरकार में अधिक रेट पर रिलायंस से बिजली खरीदी गई और रिलायंस से ज्यादा मूल पर खरीद करके सस्ते मूल पर यहां सप्लाई की गई वो मेंटेन किया गया अब उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ उस पर मैं जाने की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन हां इस बार जो बिजली खरीदनी चाहिए एन से खरीदी जानी चाहिए वो उस हिसाब से जो एन से आप खरीदी आप प्राइवेट कंसर्न रिलायंस वालों से मत खरीदी आप एन से खरीदिए लेकिन वो भी आपकी सरकार है एन टी पी सी दिल्ली केंद्र के अधीन है आप उससे खरीदिए बिजली की सप्लाई बनाइए लेकिन चोरी जब तक नहीं रुकेगी आलोक में बता दूं, चोरी बिजली की चोरी बड़े व्यापक पैमाने पर हो रही है सर चोरी को रोकने के लिए जिस तरीके से गुजरात में एक फॉर्मूला कर करें तो, खंबे परी उन्होंने के मीटर लगवा गया थे। तो क्योंकि घरों और पोल के बीच तो कोई दूरी नहीं रहेगी तो इसलिए चोरी भी कहीं ना कहीं रुकेगी तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला भी तो अप्लाई करा जा सकता है सर नहीं नहीं हम फॉर्मूले हम फॉर्मूले और जो उत्तर प्रदेश की अजय जी ने जिस इंगित किया वो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं हुँ। आज आप देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे ज्यादा जिसको लाइन लॉस कहते हैं अजय जी।, जी आप, आप लोग लाइन लॉस कहते हैं हम उसे बिजली चोरी कहते, कहते हैं तो जो बिजली चोर थे उनको बिजली देने की व्यवस्था थी जो हर विश्वविद्यालय को बिजली देने की व्यवस्था थी और वहीं बिजली चोरी थी और मुझे नहीं कहना चाहिए तो कि बिजली बिजली बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल कहेंगे चोरों को चोर कहेंगे चोरों को चोर कहेंगे भाषा को सही बनाए चोर चोड़, चोड़, के, आर, मादर, मादर, चोर चोरों केोरों की पार्टी समाजवादी पार्टी पार्टी एक एक करके एक एक करके चले एक एक करके देखिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है चोर 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 चल चोर चोर ये डिबेट चल रही है ये आप लोग जनता के प्रतिनिधि

घर के अंदर के बजाय बाहर लगाइए पोल्स पर लगाइए बिजली चोरी रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित होइए ऐसा नहीं है कि आप बिजली विभाग के एक एक जूनियर इंजीनियर एक्शन पंद्रह पंद्रह साल से एक एक जगह पर लगे हुए इस बार भी ट्रांसफर करने के लिए आए लेकिन पता नहीं किन दबावों के कारण आपके ऊर्जा मंत्री ट्रांसफर नहीं कर पाए बीसों लोगों के मैं लिस्ट दे सकता हूं कहाँ से दबाव में वो एक अलग बात अभी आपने मथुरा की बात की मथुरा बिजली मंत्री का ऊर्जा मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है मैं अभी 8 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक वृंदावन और मथुरा में रहूं बिजली को जो समस्या समस्यावाद दिखी 8 घंटे 10 घंटे आपने तो घोषणा की तीर्थ स्थल मथुरा काशी आ, आप अयोध्या और गोरखपुर ये चार जगह आपने 24 घंटे बिजली आपूर्ति की घोषणा की है आप निष्पक्ष रूप से कह दीजिए कि 24 घंटे आ रही मैं तो मथुरा मैं बता रहा हूं आठ से लेकर ग्यारह तक मैं वृंदावन और मथुरा में रहा दस घंटे से अधिक बिजली नहीं आई चलिए वो आंकड़े हमने भी दिखा अजय जी ने भी कहा अब सर को जाना है चंद्रमोहन सर को लेकिन चंद्रमोहन सर मैं चाहूंगा पहले आप एक गिलास जो पानी पीजिए फिर मेरे एक सवाल का जवाब देके जाइए ये तो आज जो सर पहले पानी पी लीजिए तो छह महीने तो हो गए हैं लगभग होने को है, बस एक दो दिन बाकी हैं आगे छह महीने के लिए बिजली को लेकर के सरकार का क्या प्लान है जरा बहुत ठंडे मन से जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए नहीं देखिये हाँ। हम, हमारा मन एकदम ठंडा है और एकदम उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति बाईस करोड़ जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है जी हमने बीपीएल परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन देने का वायदा किया और संकल्प किया और उसे हम पूरा कर रहे हैं लगातार दे रहे हैं बिजली विभाग से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम संकल्पित हैं बिजली चोरों पर कठोरतम कार्रवाई करने का काम हम कर रहे हैं जी। और मैंने कोई गलत बात कही हो तो कोई मुझे चैलेंज कर दे कि जिन जिलों में बिजली चोरी ज्यादा थी वही बिजली ज्यादा थी जी और हर शहर में जो बिजली चोरों के टापू बने हुए हैं उन टापुओं को ध्वस्त करने का काम हमने किया है और ये लगातार जारी रहेगा हम हम उसमें हम उसमें मानेंगे नहीं चाहे कितना भी उसको किसी भी रूप में कोई भी कितना भी प्रोपगंडा कर ले हम प्रोपगंडा से डरने वाले नहीं है हम बिजली चोरों पर कार्रवाई करेंगे जे। और कठोरतम कार्रवाई करेंगे और बिजली देने का काम करेंगे क्योंकि हमारा संकल्प है हम दीनदयाल उपाध्याय जी को मानने वाले हैं कि हर हाथ को काम हर खेत को पानी हर हाथ को काम जभी मिलेगा जब हर खेत को पानी होगा हर खेत को पानी जभी मिलेगा जब बिजली होगी तो हम बिजली जब होगी किसान के पास में तो खेत को पानी होगा हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा हमारा उत्तर प्रदेश वाइब्रेंट उत्तर प्रदेश बनेगा हमारे हमारे क्लस्टर जब तरक्की करेंगे जब बिजली होगी तो हम बिजली देने के लिए संकल्पित है जो समस्या बिजली देने को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है योगी के वादों का सच सितंबर चल रहा है योगी सरकार को छह महीने पूरे हो रहे हैं लेकिन अभी तक ना तो गांव में अठारह घंटे और शहरों में चौबीस घंटे बिजली पहुंची है ना ही उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाई हैं ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है बात अगर हम करें स्वच्छ पेयजल की बात सड़कों की सड़कों की बात करें तो गड्ढा मुक्त करने की बात जो की थी लेकिन वो कहीं ना कहीं जब पंद्रह जून जिसके लिए एक डेट रखी थी डेडलाइन लेकिन पंद्रह दिन पहले ही कहीं ना कहीं बजट का रोना और तमाम सारी चीजें कहीं ना कहीं सामने आने लगी थी वो भी चीज़ें नहीं पूरी हो पाई लगभग सेवेंटी से एट्टी परसेंट काम ही बस पूरा हो पाया आलोक भाई निश्चित तौर पे आपका प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है और मैं बहुत ही निष्पक्ष रूप से बिना कोई राजनीति किए मैं अपनी बात इस पर रखना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर राजनीतिक दल जनता से चुनाव के समय में बहुत सारे लच्छेदार वादे करते हैं और वो वादे करते समय भूल जाते हैं कि आखिर हम उस वादे को पूरा कैसे करेंगे जी और जब सरकार बन जाती है तो स्वाभाविक है जिसने वोट दिया है उनके वादों पे खड़े वोट दिया है वो डिमांड करती है ये और इस डिमांड को जब पूरा नहीं होता है तो लोगों में असंतोष व्याप्त होता है मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश की जनता से 2007-17 के विधानसभा में वादे किए कि 24 घंटे बिजली देंगे मैं 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़क कर देंगे मैं कहना चाहता हूं इसमें पूर्ण रूप से फेल है सच बताऊ आपको मैं इंदिरा नगर के पास कॉलोनी में सरकारी कॉलोनी में रहता हूँ पिछले पांच महीनों से छह महीने से साहब मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है पीने के लिए पानी नहीं आ आया नहाने का तो बहुत दूर किस तरीके जी। से जीवन यापन किया जा रहा है सर, एक ऑफिसर्स फ्लैट है हाँ। सात संपत्ति का ऑफिसर्स टाइप फाइव के बंगले में रह रहा हूँ हाँ। उसके बाद यह हालत अरे मंत्री मैं कहना चाहता हूँ सिद्धार्थनाथ नाथ सिंह क्या ट्वीट करा उनका घर चूता है देखिए अगर दिक्कतें गिनाएंगे तो मंत्री जी भी आप परेशान परेशानी उनके आगे तो आपकी परेशानी कम नहीं है केवल हाँ इंद्र नगर बी ब्लॉक के ऑफिसर फ्लैट की बात नहीं करता हूँ हाँ। ये लगभग लगभग अब लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है जब यहां पे हालात है तो और उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्रों में क्या हालात होगा मैं कहना चाहता हूँ हाँ। कि सरकार को जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए हम कोई भी सरकार में नहीं कहना चाह कांग्रेस जनता का आज देखिए आज पंजाब में सेम समय में ये जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी वही पंजाब की हमारी सरकार बनी थी हमने जितने भी वादे कांग्रेस सरकार ने कैप्टन अमरिंदर जी की सरकार ने बहुत सारे वादों को हमने अमली जामा पहनाने का काम वहां कांग्रेस की सरकार ने किया देखिए काम करने के लिए आलोक भाई नियत साफ होनी चाहिए जब हम जनता को और भारतीय जनता पार्टी की ये शक्ल बन चुकी है कि जनता को गुमराह करना जनता को जुमलेबाजी करना जनता को धोखा देना जिस तरीके से आलोक भाई उत्तर प्रदेश में नफरत की जैसे आज उत्तर कल देखिए कल एक परसों मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उप मुखमंत्री, प्रोफेसर है मेरे मित्र मंत्री बड़े भाई है, आप दिनेश शर्मा जी किस तरीके से जो हमारे मुगल जो हमारे मुस्लिम समाज को बांटने का काम किया वो कहते हैं कि जितने भी मुगल शासक थे वो वो जो है चोर थे उन्होंने पूरा लूट लिया लुटेरे थे इस तरीके से वो उस, उस दिशा समझने की जरूरत है किसके लिए है और उनका क्या इतिहास इतिहास तो इतिहास था को समझने के लिए जरूरत चलिए चलिए तारिक साहब हाँ सरकार ने कोशिश तो की लगभग सेवेंटी परसेंट गड्ढे भरे भी लेकिन आपकी सरकार के कार्यकाल में तो कभी कोई ऐसी चीज सामने आई नहीं की गोरखपुर जिले गोरखपुर शहर के दस परसेंट गड्ढे नहीं भरे थे जी। ये टोटल मैं नाम लेके कह रहा हूँ भाई हमारे बहुत चिल्ला चिल्ला के अब भाग चले गए से उनको जाना भी था तो उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी बगैर जवाब सुने वो चले भी गए लेकिन जनता देख रही थी जनता को जरूर जवाब दूंगा मैं ये हमको चोर कह रहे हैं इनको तकलीफ हर उस शख्स से होती है बीजेपी की निगाह में हर वो चीज खटकती है जो मुस्लिम यादव ओबीसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जिसपे अच्छे तरह से काबिज होता है इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तकलीफ है इनको वहां से तकलीफ है लेकिन इनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से तकलीफ नहीं है क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में टोटल इन्हीं की कम्युनिटी बैठी हुई है और वहां पे कोई भी प्रोफेसर एस सी का नहीं है क्यों नहीं है उसका जवाब दें दूसरा ये बात कर रहे थे कि जेएनयू में सब देशद्रोही हैं आज जेएनयू डीयू फलाने सब जगह मुंह पे कालिक पुत गई है इन लोगों के असलियत देख लीजिए आप इनका यही हाल होगा दूसरा इन्होंने कहा फाइनल कट <laughs> दूसरा इन्होंने हाँ। कहा कि हम लोगों ने एनटीपीसी से ना लेकर रिलायंस से लेकर घपला किया भाई एनटीपीसी हमको बिजली देने को तैयार ही नहीं था क्योंकि उनको हमारी सरकार को बदनाम करना था सेंट्रल में इनकी बीजेपी की सरकार थी जुमलेबाज की सरकार थी और ये हमारे लोगों को चोर और तड़ीपा चोर और चोर कह रहे हैं तो इनके मुख्यमंत्री हत्यारे इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हत्यारे इनका राष्ट्र के अध्यक्ष चलिए देखिए आप आप तारिक साहब पिछली पिछली कोई मत क्योंकि बीजेपी के यहाँ पर प्रवक्ता है नहीं इसलिए जी जी चलिए मेरा जवाब मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला मुझे जवाब मैं जनता प्रतिनिधि बनकर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मेरी अपनी कोई मंशा नहीं आपसे सवाल पूछने की चलिए चलिए हो गया चलिए अब मैं जरा अजय कुमार जी तो के पास आ जाता हूं अजय जी जिस तरीके से गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर के इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं लोगों की नाराजगी किस तरीके से है पिछली सरकार ने भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से तारिक साहब भी बैठे उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये इसमें इस पूरे मामले को लेकर के दस भी गड्ढे नहीं बने और घोटालों की बूथ साफ तौर पर आ रही सर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा आलोक हाँ देखिये पूरे प्रदेश में इक्कीस लाख दो लाख किलोमीटर सड़कें हैं पूरे जिसमें एन की सड़कें हैं नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे की सड़कें हैं नगर निगम की सड़कें हैं कहीं कहीं जो है ग्राम सभा की सड़कें हैं और तो और सिंचाई विभाग की भी सड़कें हैं अब किस तरह से गड्ढा मुक्त पंद्रह जून तक योगी जी ने इन सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी बीच में यह हुआ कि फंड्स नहीं है फंड्स की कमी के कारण ये काम रोक दिया गया फंड्स रिलीज करना सरकार का काम था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम का था सिंचाई विभाग का काम था लेकिन वो नहीं हुआ इस बीच बरसात आ गई जो गड्ढे थे वो और बड़े हो गए सवाल ये बरसात में आप गड्ढा मुक्त बरसात से पहले कर देते मई जून में कर देते जुलाई अगस्त सितंबर ये तीन महीने बरसात के थे आप गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए आपकी लागत बढ़ गई देखिए अब लागत बढ़ गई तो आप समय अगर काम करेंगे इधर बीच में अपने पीडब्ल्यू मंत्री ने एक और सुगुफा छोड़ लिया जिस तरह शिवपाल ने कभी कहा था कि दाल में नमक खाओ अब इन्होंने भी अपने इंजीनियर से कह दिया अलग की बात है उसमें लेकिन छोड़ कौन हुआ जय जी मैं ये नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ जो शिवपाल ने कहा आप उससे भी आगे बढ़ गए इस समय तो यही हो गया ना ये हमको चोर ये कह, कह रहे थे और इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद बोल दिए कि दाल में नमक खाओ ये यहाँ का ही कहानी नहीं है अजय जी आप देखिए मध्य प्रदेश में भी इन्होंने कहा इन्होंने राजस्थान के इनके मुख्यमंत्री ने भी कहा यूपी को देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा मुक्त चलिए फिलहाल हम यहाँ पर घोटालों और कमियों की बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ की जनता की, की, की मूलभूत जरूरतों की बात कर रहे हैं जो उसे बिजली प्रॉपर मिल जाए सड़कें जो है वो गड्ढा मुक्त हो जाए ताकि उसे आम जो सहूलियतें वो उसे मिले और, और इसी इनका और... इनका नहीं मिलेगा और इसी कैटेगरी में हाँ चलिए ठीक इसी कैटेगरी में स्वच्छ पेयजल की अगर हम बात करें तो तारिक साहब के पास में आ रहा हूं स्वच्छ पेयजल को लेकर के अगर बात करें तो सरकार लगातार

कि अगर आपके पास एक घर है तो उसका हाउस टैक्स और उसका वाटर टैक्स आपका नहीं वसूला जाएगा लेकिन अगर दूसरा घर आप के नाम से होगा तो उसमें वसूली की जाएगी और अगर आपने किराए पर दिया होगा तो उसका डबल वसूली होगी एक व्यक्ति एक घर का मुहिम लेकर हम लोगों ने टैक्स फ्री करने का कोशिश किया था लेकिन तब तक का मामला खराब हो गया आप पानी ही साफ मुहैया कर पानी मुहैया करा दिए बहुत बड़ी बात है मैं बता रहा हूं मेरे घर के पास मैं खुद न, सरकारी ही पानी पीता हूं मेरा कोई बोरिंग वोरिंग का पानी नहीं पीता हूं सवेरे छह बजे से आठ बजे तक ही पानी आता हमारे वहां और शाम को छ बजे से आठ बजे तक आता उसमें जो हम भर पाए हम भर लेते हैं मोहल्ले में तो वो भी हाल बहुत खराब है हमारे बराबर में स्वीपर कॉलोनी भी है मुस्लिम कॉलोनी भी है वहां तो कैसे लड़ाई होती है पानी के लिए आप तारिक साहब मत करिए साहब रुलाएंगे क्या बिल्कुल इतनी मजबूरी गिना अब आप देख लीजिए आके ये हम लोगों ने पूरा कोशिश किया था मेरे घर के बराबर में ही नाला भी है नाले का पानी उसमें आता है ये था ये ये ये, ये हकीकत आ, थी जो जो खुद भी तारिक साहब ने करी अब ये नहीं पता ये विपक्ष के नाते करी या वाकई में इस दिक्कत से जूझ रहे हैं चलिए अब मैं डीपीजी के पास आ रहा हूं कांग्रेस की तरफ से डीपीजी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर एक मिशन शुरू किया गया था 1986 87 में आपकी सरकार में राजीव गांधी जी ने जिसमें सैम पित्रोता को अपना एडवाइजर बनाया था थोड़े दिन ये स्कीम चली उसके बाद ये भी कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई ये भी तो यह आप लोगों का ही तो फेलियर है देखिए आलोक भाई निश्चित हाँ। तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि आज समाज में प्रदेश में उत्तर खास कर उत्तर प्रदेश के सिनेरियो में बात करना चाहता हूँ पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या है और आज जो स्वच्छ पेयजल हम सरकारें उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं हम समझते हैं इससे ज्यादा इससे ज्यादा मतलब शर्मसार कर देने वाली घटना और कुछ नहीं हो सकती है तारिक साहब ने बिल्कुल सही कहा पानी के लिए जिस तरीके से पूरे प्रदेश का आंकड़ा उठा लीजिए तो रोज न जाने कितने लोग लड़ाई होती है मार होती है नहीं, लोग जब तो आप आप तो की हो नहीं, जब जब सरकार साल पहले इतना तब तो इतनी ज्यादा घनत्व नहीं था इतनी ज्यादा आबादी नहीं थी आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट शुरू जरा बताइए तो जनता को यह भी निश्चित तौर पर कांग्रेस के शासन में चाहे वो हमारी यूपीए फर्स्ट यूपीए टू रही हो चाहे आप राजीव गांधी जी के समय की बात किया राजीव गांधी एक ऐसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुए हैं जो ऐसे बिल्कुल हिंदुस्तान के ऐसे बिजनरी प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान के हर समस्या को गरीबों की समस्या को मजरूमों की समस्या को देश के शोषित बंचे पीड़ितों की समस्या को हर समस्या राजीव गांधी, गांधी जी तो चलिए वो, वो आगे, आगे बढ़े वो तो आज, एक विजन लेकर के चले लेकिन आप लोगों ने उस विजन को कितना आगे बढ़ाया सवाल तो ये है यहाँ पे मिशन को जितना राजीव गांधी राजीव गांधी जी को ही कहना पड़ा था कि जब सेंट्रल से हाँ। एक रुपया चलता है हाँ। तो राज्य सरकारों में वहां क्रियान्वयन होने तक बात दस पैसा रह जाता है जी ये दुर्भाग्य हाँ। है उत्तर चलिए लेकिन इसका चलिए ठीक है के अब, अब जो पैसा, हाँ। जो पैसा हाँ। जी।

आपको वो बात आज की डेट में रिपीट नहीं करनी चाहिए क्योंकि सवाल मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी आपसे करेगा कि केंद्र में भी आप थे स्टेट में भी आप थे इसका मतलब आप ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट थे ऐसी बात नहीं जी करनी नहीं, चाहिए सा लीजिए मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सत्ताईस साल अट्ठाईस साल हो गया उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है और राजीव जी राज्य राजी, है जी जिम्मेदारी जी का का पढ़े लिखे व्यक्ति हैं स्टेट और सेंट्रल के कामों के रिलेशन जो होते हैं होते हैं चलिए यहाँ गठबंधन लगता काम नहीं आ रहा और तभी शायद निकाय चुनाव दोनों मिलकर के अलग अलग लड़ रहे हैं चलिए अब मैं चलिए अब मैं अजय कुमार जी के पास आता हूँ चलिए हो गई हो गई आपसे अपनी बात रख ली अब चलिए को लेकर के सर अजय अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ अजय जी से हाँ ठीक है तो आपने अपनी बात रख ली अजय जी जिस तरीके से जो नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन जो शुरू किया गया था छियासी सतासी में राजीव गांधी जी द्वारा लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग भी बहुत ज्यादा उसको आगे बढ़ा नहीं सके एक विजन लेकर के नहीं चले हालांकि राजीव गांधी के विजन को लेकर के बता रहे लेकिन आगे नहीं बढ़ाया कहीं ना कहीं पार्टी ने तो चलिए हाँ अजय जी से इसका जवाब हाँ हालांकि पहले तो मैं डीपी भाई की एक बात को क्लियर कर दूं। जी उन्नीस में राजीव गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री थे और वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे दोनों सरकारें कांग्रेस की थी इसलिए यह न कहें कि वहां कांग्रेस की सरकार थी यहाँ विपक्ष अब अब मैं आ रहा हूँ बिजली सड़क पानी तीन महत्वपूर्ण तो चीजें जनता के लिए बिजली पे आपने चर्चा कर ली सड़क की बात हो गई पानी पानी एक ऐसी चीज है जल ही जीवन है और ये अगर अशुद्ध मिला तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण जल है एक तो वायु है वायु तो ठीक है आप कहीं भी ले सकते हैं स्वच्छ वायु ले सकते हैं, घूम सकते हैं सुबह टहल सकते हैं, लेकिन जो स्वच्छ जल का मिशन का कार्यक्रम राजीव गांधी ने शुरू किया था वो सफल इसलिए नहीं हो पाया केवल केवल और भ्रष्टाचार के कारण आप देखिए लग रहे हैं किस तरह से गांव में पंप लगा देते हैं अगर उनको अगर आप देख लेंगे कितनी बोरिंग पे होने चाहिए कपले हो बिल्कुल कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उस वक्त भी था लेकिन अब चाहे विपक्षी भले जिस तरीके से आरोप लगाएं लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट तमाम सारी योजनाएं चढ़ गई इस बात को साफ तौर पर जाहिर करती तो आज के सेगमेंट में हमने बड़ी बहस में जानने की कोशिश करी बिजली को लेकर के सड़क को लेकर के और स्वच्छ पेयजल को लेकर के आप सभी मेहमान आए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया डीपीजी आपका भी तारिक साहब आपका भी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी बहुत बहुत, बहुत। धन्यवाद तो सरकार बनने के बाद यूपी में बिजली सड़क जैसे क्षेत्रों में कई सरकारी योजनाओं को शुरू किया गया और तो और योगी जी ने तो खुलेआम 15 जून से पहले पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का ऐलान भी कर डाला हालांकि बाद में सरकार को मानसून का बहाना बनाकर इस योजना को सितंबर तक बढ़ाना पड़ा अब सितंबर चल रहा है तो इसीलिए छह महीने सरकार के पूरे हो गए और आज हमने भी इस डिबेट को रखा मकसद यही था कि हम लोगों के बीच जाए और पूछे कि आखिर इस सरकार को आप कितने अंक दे रहे हैं और कहां पर पा रहे हैं बड़ी बहस में इतना ही बने रहिए लाइव टुडे के साथ नमस्कार